हे गाइस एंड व्हाट्स अप, सो क्या हालचाल है तुम सब के। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, आज की जो स्टोरी होने वाली है वो होने वाली है युधवीर सिंह राजपूत की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच युधवीर सिंह फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। और अगर तुम्हारे पास कोई भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद ऑल ऑफ अस, यू कैन शेयर दिस हेयर। मेरा इंस्टाग्राम आईडी ये है, सो जस्ट कम एंड शेयर योर स्टोरी विद मी। एंड अगर अच्छी होगी और सुनाने लायक होगी तो मैं तुम सबके साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। युधवीर सिंह अपनी फैमिली के साथ यूपी में रहता है। एंड युधवीर सिंह की फैमिली का जो प्रोफेशन है वो एक ज़मींदारी का है। एंड उनकी फैमिली काफ़ी रिच है एंड काफ़ी पावरफुल है। सो लाइक जो भी उनका एरिया है और गांव है उसमें उनकी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। और मतलब एक होता है ना, जैसे एक फैमिली होती है जो हर किसी की मदद करती है, हर गरीब की मदद करना एंड उसकी वजह से पूरे गाँव में रिस्पेक्ट होना, तो वैसी पावर उनके पास है, उनकी फैमिली के पास, कि अगर वो बोलते हैं कुछ तो गाँव वाले उसके खिलाफ नहीं जाते, वो मान लेते हैं। युधवीर सिंह एंड जो उसका भाई है उसका नाम है आर्यवर सिंह, ये दोनों अभी छोटे थे, छोटे इन द सेंस होंगे 18-19 साल के, और नॉर्मल अपने हवेली में ये सब रहते थे। एक दिन क्या होता है कि इनके दादाजी जा रहे होते हैं एंड उस दिन खेती का कुछ काम होता है तो उसके लिए जा रहे होते हैं। एंड तो ये दोनों सोचते हैं कि एक बार हम भी चल के देखते हैं कि क्या होता है। तो ये दादाजी को बोलते हैं, दादाजी हम भी आए आपके साथ खेती करने। तो दादाजी उस टाइम इन्हें मना कर देते कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से तुम अपना काम करो, खेलो कूदो, और हम करके आते हैं, बड़े बड़े लोगों का मामला है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से खेलो कूदो। तो दादाजी ये बोल के चले जाते हैं सुबह। एंड बट ये दोनों भाइयों को तो जाना होता है, तो ये प्लान बनाते हैं कि कोई बात नहीं, हम बिना पूछे एक बार चल पड़ेंगे एंड क्या ही हो जाएगा, जाके एक बार देखते हैं। तो ये ठीक है, डन है, अभी प्लान है कि शाम को हम निकलेंगे। और यहाँ से कुछ आधे कर घंटे का रास्ता था पैदल में, तो ये बोलते ठीक है। तो सुबह दादाजी चले जाते हैं, तब ये दोनों उस टाइम अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो ऐसे कर करके शाम हो जाती है। एंड शाम भी क्या, दिन होता है, दिन के मतलब 2-3 बज रहे होते हैं। तो ये दोनों भाई बोलते हैं कि चलो अब हम खेती की साइड चलते हैं और देखते हैं, दादाजी को यू नो धप्पा देंगे, थोड़ा सरप्राइज़ करेंगे और वहाँ जाके उनकी थोड़ी हेल्प कर लेंगे। तो दोनों भाई निकल, वो खेती हो रही होती है ना, इनकी बहुत सारी ज़मीन है, तो जिस पर्टिकुलर जगह ये खेती हो रही होती है शायद वहाँ पे ये दोनों आज से पहले एक या दो बार ही गए होंगे, उससे ज़्यादा ही कभी नहीं गए हैं। तो इन्हें रास्ता उतना अच्छे से मालूम नहीं होता, लेकिन गांव में क्या होता है ना, तुम बस निकल जाओ, कहाँ पहुँचना है तुम्हें, बीच में लोग मिलते रहेंगे, तुम उनसे पूछ लोगे, और तो तुम निकल जाते हो और गांव वालों से पूछ पूछ के तुम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच ही जाते हो। गांव में ये बहुत एक एडवांटेज है। सो ये दोनों निकल जाते हैं एंड आधे घंटे का रास्ता था, इन्हें चलते चलते करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं और ये देखते हैं कि यार वो ना जगह मिल नहीं रही जहाँ इन्हें जाना था। तो इन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ जाएँ। तो ये क्या करते हैं, जंगल, अब जो एरिया है वो भी काफ़ी मतलब पेड़ पौधे हैं उधर, जंगल टाइप का है। तो बस ये जा रहे हैं जंगलों के बीच से, और आगे आते हैं तो आगे ना एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ शमशान घाट है, आगे पूरा शमशान घाट है। और ये देखते हैं यार ये शमशान घाट की साइड आ गए क्या हम, तो थोड़ा सा गलत आगे होते हैं लोग। तो ये बोलते हैं कि अब कौन सी साइड जाएँ, अब आइडिया भी नहीं लग रहा और ये एकदम सुनसान सा इलाका है जहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा, यहाँ पे ना कोई लोग है ना कुछ है कि हम किसी से पूछ भी लें। तो ये थोड़ा 10-15 मिनट वहाँ खड़े होते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि हम किस साइड जाएं। तो ये ना थोड़ा सा राइट साइड के लिए मुड़ते हैं कि चलो राइट साइड से चल के देखते हैं। थोड़ा सा जा रहे होते उन्हें एक दुकान दिखती है, तो दुकान का इन्हें मतलब ये राइट कॉर्नर दिख रहा है, ऐसे सामने से नहीं दिख रही दुकान, दुकान का जस्ट एक राइट साइड का जो ऐसे दिखता है ना राइट साइड का कॉर्नर, बस वो दिख रहा है। तो ये बोलते हैं एक बार चलते हैं और दुकानदार से पूछते हैं भैया कि हमें यहाँ जाना है तो हमें रास्ता बता दो। तो ये वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो दुकान होती है वो एक मीट शॉप होती है, वहाँ पे चिकन बिक रहे होते हैं। तो इन्हें बड़ा वियर्ड सा लगता है कि शमशान घाट के सामने चिकन कौन बेच रहा है, वो भी ऐसी जगह जहाँ पर ना कोई आता है ना कोई जाता है, और ये कभी खुल गई हमें तो कुछ पता भी नहीं है। तो लेकिन इस टाइम में खोए हैं, इन्हें जल्दी पहुंचना भी है, रात भी होने वाली है, गांव में रात को एक्चुअली ज़्यादा निकलते नहीं है क्योंकि जानवरों का भी थोड़ा रहता है कि कभी बाघ आ गया कभी कुछ आ गया, राइट। सो ये सब चीज़ें छोड़ते हैं और बोलते हैं अंकल जी हमें कहीं जाना है तो आप हमें बता सकते हो। तो अंकल बोलता है पूछो बेटा कहाँ जाना है तुम्हें। तो ये उस जगह का नाम बताते हैं कि ऐसी ऐसी जगह है और आप हमें वहाँ पर बता सकते हो कैसे जाना है। तो अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी एक्चुअली फ्री हो चुका हूँ तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ साथ में। तो वो बोलते हैं आपको पता है वो जगह कहाँ है। तो बोलते हैं हाँ हमें पता है, तो चलो ठीक है। एंड इन्हें ना थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि ना ये जो गांव है यहाँ पे कोई भी अननोन बंदा या कोई भी इन्हें देख लेना तो सबसे पहले छोटे ठाकुर करके, नमस्ते छोटे ठाकुर ऐसे करके इन्हें ग्रीट करता है।
बट ये अंकल जी एकदम ऐसे यू नो बेटा तुम कौन हो ऐसे ऐसे पूछते हैं, तो इन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कौन है जो हमें गाँव में ना जानता हो और इसे भी हमने कभी नहीं देखा, थोड़ा स्ट्रेंजर सा होता है वो आदमी। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं क्योंकि इन्हें जल्दी होती है ऑब्वियसली, तो ये ज़्यादा सोचते नहीं, ठीक है अभी कोई आया होगा स्ट्रेंजर है तो अगर उसे जगह पता है तो हम चल लेंगे उसके साथ। और गांव में ऐसा मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम अननोन लोगों के साथ क्यों जा रहे हो ये वो, क्योंकि ये ना एक टाइप ऑफ उन्हीं का इलाका है जैसा मैं अभी तुम्हें शुरू से बता रहा हूँ, तो इन्हें ऐसे खौफ नहीं है कि कोई स्ट्रेंजर हमें ले जाएगा या कहीं कुछ कर देगा ऐसा ऐसा, क्योंकि है इनके नोन पूरा गांव ही इनका है तो इन्हें ऐसा कुछ खौफ नहीं है। तो ये बोलते हैं ठीक है चल लेते हैं, तो स्ट्रेंजर इन्हें ले जा रहा होता है तो ये उसके पीछे जा रहे हैं। तो चलते चलते 3-4 मिनट हो गए और जिस साइड से वापस आया उसी साइड वो अंकल जी इन्हें लेके जा रहे हैं। तो ये बोलते हैं अंकल क्या हो गया, मतलब इसी साइड से तो हम वापस आए आप हमें यहाँ के लेके जा रहे हो। तो अंकल बोलते हैं अरे बेटा इसी साइड से है, तो बोलते ठीक है। तो अंकल जी क्या करते हैं इनका हाथ पकड़ते हैं दोनों का एंड शमशान घाट के अंदर ले जाते हैं। तो ये बोलते हैं अंकल ये शमशान घाट में हम क्यों जा रहे हैं, तो बोलते हैं ये क्रॉस करके ही वो जो जगह तुम्हें जानी है वो बस क्रॉस करोगे तो आ जाएगी। तो ये इन्हें अजीब सा लगता है क्योंकि ना मतलब सबने कहा होता है कि शमशान घाट साइड नहीं जाते, शमशान घाट में मत जाना। युद्धवीर को लगता है कि नहीं हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, बट आर्यावर बोलता है कोई बात नहीं यार चल लेते अब इतनी दूर आए हैं। तो युद्धवीर बोलते हैं चल ठीक है। चलते चलते ना इन्हें 10 मिनट हो गए एंड वो शमशान घाट अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये अभी शमशान घाट के जस्ट बीच में पहुँच चुके हैं और अभी इन्हें बहुत अजीब लगने लग जाता है क्योंकि जो वो अंकल होते हैं वो ना इनके हाथ बड़े ज़ोर ज़ोर से पकड़ने लग रहे हैं और ये अपना हाथ छुड़ा रहे हैं कि भाई छोड़ो 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 करके, और वो छोड़ नहीं रहे, वो बस उन्होंने पकड़ा हुआ है। ये पूछ रहे हैं कि अंकल हम कहाँ जा रहे हैं, अंकल अभी तक निकले क्यों नहीं बाहर, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं अंकल कोई जवाब नहीं दे रहे, बस अंकल चुपचाप सीधा सीधा लेके जा रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों भाइयों को बड़ा अजीब सा लगता है ये कैसे कैसे करके अपना हाथ छुड़वाते हैं, बहुत टाइट पकड़ा होता है, बहुत टाइम से छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब 2-3 मिनट हो गए होते हैं कि ये छुड़ा रहे हैं बट वो बस खींचे जा रहा है। तो वो एक टाइम आता है कि छुड़वा देते हैं एंड वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर ये दोनों भागते हैं, शमशान घाट एग्ज़िट करते हैं जहाँ से आए थे वहीं से निकल के सीधा भागते हैं एंड आगे चल के काफ़ी टाइम भागने तक, मतलब 10-15 मिनट तो ये फिर भागे होंगे क्योंकि और वहाँ पे कोई बीच में नहीं है। जब ये भाग रहे हैं तो इन्हें वहाँ पे फिर आगे चल के गांव के कुछ लोग मिलते हैं जो खेतीबाड़ी कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि अरे छोटे ठाकुर साहब आप कहाँ, तो बताते हैं कि हमें घर ही जाना है, हम थोड़ा रास्ता भटक गया, तो तुम हमें बता सकते हो। अब घर ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है, थोड़ी शाम हो चुकी है, तो ये सोचते हैं अब भाई नहीं जाना वहाँ पे वापस, अब घर ही चलते हैं, किसी और दिन चलेंगे खेती करने। तो वो बताते हैं कि छोटे ठाकुर हम आपको छोड़ देते हैं, तो बोलते ठीक है चलो। तो वो लेके जाते हैं, वो इन दोनों भाइयों को लेके जाते हैं गाँव वाले और महल में हवेली में छोड़ देते हैं। तो हवेली में आते हैं ये लोग, तो दादाजी पूछते हैं कहाँ थे भाई तुम लोग, क्या हो गया, तो ये बोलते कुछ नहीं बस ऐसे ही बाहर खेलने गए थे। ये नहीं बताते कि हम खेती के लिए गए थे और उस हम खो गए ये सब, क्योंकि फिर ये सोचते हैं कि अरे भैया मार पड़ेगी दादाजी से, रहन दो कुछ नहीं बताना चुपचाप रहो, तो ये नहीं बताते। तो सो जब ये रूम में जाते हैं तब इन्हें रियलाइज़ होता है कि इनको ना इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो कुछ नहीं है थोड़ी सी दवाइयाँ वाइयाँ खाते हैं दोनों भाई, सो जाते हैं, दोनों के अलग अलग रूम है अपने। एंड सुबह होती है तो पता चलता है कि दोनों भाई बीमार पड़े हुए हैं, काफ़ी तेज़ इन्हें बुखार आ चुका है एंड दादाजी आए हुए हैं, इनकी मॉम डैड सब आ गए हैं, डॉक्टर आया हुआ है, सब इन्हें देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं। एक दो दिन इनके बुखार रहता है एंड 2-3 दिन बाद इनका बुखार हट जाता है नॉर्मल, डॉक्टर कहता है कि सीजनल, जैसे सीजन चेंज होता है तो हो जाता है बुखार, वही हुआ है, वायरल हुआ था तो दोनों को हो गया। एंड इसी तरीके से 1-2-3 हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, 1-2 महीने हो जाते हैं एंड सब अपने अपने काम करने लग जाते हैं, सब अपने अपना नॉर्मल डे चल रहा है। तो युद्धवीर का बताना है कि उसने एक चीज़ नोटिस करी होती है इन जो 1-2 महीने का पीरियड होता है उसमें, कि जो इसका कज़न होता है आर्यवीर, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, स्लाइटली चेंज उसके बिहेवियर में आया है, वो थोड़ा सीरियस हो चुका है, अब सीरियस रहने लग गया है एंड काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड, जैसे होता है ना कि पढ़ाई कर रहा है तो कभी युद्धवीर चलेगा कि अरे चल थोड़ा खेल के आते हैं कुछ, तो वो बोलता है नहीं मुझे अभी पढ़ाई करनी है। और एक और जो चीज़ होती है जो उसके बिहेवियर में चेंज आया होता है वो है कि आर्यवीर हर दिन ना 2 घंटे के लिए बाहर जाता था, कुछ 5-6 बजे जाता था और 7-8 बजे वापस आता था, और इसका ये थोड़ा डेली का रूटीन हो गया था, सबको लगता है अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है कुछ है, लेकिन जब रोज़ रोज़ का हो जाता है तो युद्धवीर ने पूछने की कोशिश करी अरे किस दोस्त के साथ जाता, मुझे भी लेके चला कर, मुझे भी बता दिया कर, मैं भी चल लूँगा। तो आर्यवीर बोलता है नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ऐसे ही जाता हूँ बाहर। तो युद्धवीर को लगता है कि अच्छा कोई शायद मैं भी किसी लड़की से मिलने जाता हूँ जो कि अभी आर्यवीर बताने को तैयार नहीं है, तो कोई नहीं पर्सनल स्पेस सब कुछ ही होता है तो देते हैं कोई बात नहीं। एंड
ठीक है, ये रोज का उसका हो जाता है, इन दो महीने में ये सब चेंज आया है आर्यवीर में। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है कि पूरे फैमिली को ना आर्यवीर के जो कमरा होता है उससे थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लग रही है कि भाई जैसे कि अजीब सी स्मेल। आर्यवीर इस टाइम अपने रूम में नहीं है, वो वही 5-6 बजे बज चुके हैं तो वो चला गया। एंड सबको बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, तो युद्धवीर उसकी मॉम जाते हैं खोलते हैं कि भाई क्या चीज़ है, वो चूहा मर गया या कुछ, मतलब कि जैसे कि कोई मर चुका है उसकी स्मेल नहीं आती तो वो आ रही होती, तो ये सब जाते हैं स्मेल सूंघते हुए कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, और गेट खोलते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं ना उन्हें वो स्मेल बहुत तेज़ से आने लग जाती है, बहुत गंदी सी बदबू, तो वो स्मेल का पीछा करते हैं, मतलब जिस भी कोने से वो आ रही होती है, बड़ा रूम होता है काफ़ी, तो थोड़ा उसी के जिस डायरेक्शन से वो स्मेल आ रही होती है उस डायरेक्शन की साइड जाते हैं और वो देखते हैं बेड के नीचे से आ रही होती है, तो जैसे बेड के नीचे ही ना झुक के देखते हैं इन सब के होश उड़ जाते हैं। बेड के नीचे मीट होता है, चिकन, एंड ये देख के इन सब के होश उड़ गए क्योंकि जो इनकी फैमिली है ये प्योर वेजिटेरियन है, ये बिल्कुल बिल्कुल भी मतलब चिकन नहीं खाते कुछ भी, क्योंकि दादाजी ने मना किया है और जो भी फैमिली रीजंस होते हैं, बट ये बिल्कुल भी चिकन नहीं खाते, हाथ भी नहीं लगाते। और यहाँ पे आर्यवीर के बेड के नीचे तुम्हें चिकन मिला है, तो ये सब थोड़े बोलते हैं भाई क्या हो गया ये अचानक से, क्योंकि आर्यवीर को चिकन बिल्कुल पसंद नहीं था, ऐसा नहीं है कि उसे पहले से शौक था कि यार खाएंगे ट्राई करेंगे, हमने नहीं खाया तो कभी ट्राई करेंगे, ऐसा भी नहीं था, वो खुद चिकन से बहुत ज़्यादा परहेज़ करता था, दूर रहता था, बट अब देखते हैं तो उसके बेड के नीचे चिकन है जो कि स्मेल कर रहा है, इसका मतलब कि वो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, तो ये सब पता चलता है। दादाजी भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, एंड आर्यवीर फिर वही अपने 8 बजे आ रहा है, एंड जब आता है तो देखता है सारे परिवार वाले उसके खड़े हैं, तो आर्यवीर बोलता है क्या हो गया, तो ये सब बोलते हैं तुम बताओ क्या हुआ, तुम्हारे बेड के नीचे हमें चिकन मिला है, तो आर्यवीर बोलते नहीं वो तो कुछ नहीं बस ऐसे ही, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो वो दादाजी थोड़ा सा उसे डांटते हैं कि भाई क्या है ये तुम हमसे छुपा के खा रहे हो, अगर तुम्हें खाना है तो बता दो सीधा, ये ऐसा क्यों तुम छुपा रहे हो, एक तो तुम्हारा कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम रोज़ 2-2 घंटे गायब रहते हो बिना बताए चले जाते हो, तो क्या सीन है, तो बोलते नहीं नहीं ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसे ही बस ट्राई किया था, मन कर रहा था तो मन ट्राई किया, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो मैंने ऐसे बैठ के नीचे रख दिया एंड बस वही फिर पड़ा रह गया, तो सड़ गया होगा मे बी आई डोंट नो, तो मैं बस हटा देता हूँ अभी, तो दादाजी बोलते ठीक है बेटा हटाओ और नहाओ जाके साफ़ सुथरे हो जाओ और फिर बाद में बात करते हैं, तो ठीक है यही सब होता है। आर्यवीर नहाता है, युद्धवीर को लेकिन ये थोड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये कुछ तो उल्टा सीधा हो रहा है, अजीब सी चीज़ें हो रही है जो कि सिर्फ युद्धवीर समझ पा रहा है, तो युद्धवीर जाता है आर्यवीर के साथ बैठता है, तो आर्यवीर थोड़ा ऐसे गुस्से में हुए उस टाइम में, बस ऐसे मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो युद्धवीर बोलता है भाई क्या हो गया तेरे को एकदम से, तू काफ़ी चेंज हो चुका है 2 महीनों में, तो आर्यवीर कुछ नहीं कह रहा, बस लिख रहा है लिख रहा है लिख रहा है, तो युद्धवीर बोलता है क्या हो गया तुझे, तू कुछ बोलेगा बताएगा तभी तो मैं समझूंगा, कुछ नहीं बोल रहा वो आर्यवीर अपने लिखा, तो युद्धवीर ना ऐसे उसे पकड़ लेता है भाई क्या हुआ तुझे ऐसे हिलाता है उसे, तो वो ऐसे हिलता एकदम गुस्से में ऐसे कि मुझे चिकन चाहिए ऐसे बोलता है, और ये सुन के युद्धवीर भी डर जाता है कि इसे क्या हो गया एकदम से, तो बोलते क्या हो गया तेरे को, तो आर्यवीर बोलता रूम से बाहर जा, आर्यवीर उस पर गुस्सा करके युद्धवीर को रूम से बाहर निकाल देता है, और युद्धवीर को ये चीज़ें बहुत अजीब लगती है कि इतना गुस्सा एक चिकन के लिए, और उसने जब बोला था ना उसकी आवाज़ भी थोड़ी भारी सी हो गई होती है, ऐसा लगता है कि वो आर्यवीर नहीं है कोई और है, और युद्धवीर को ये बड़ी अजीब लगती है बात, तो युद्धवीर जाता है और ये दादा को बताता है कि दादाजी ये ना कुछ सही नहीं लग रहा मुझे, तो दादाजी बोलते क्या सीन है, तो युद्धवीर उसे फिर पूरी चीज़ें बताता है कि हम एक बार गए थे ऐसी ऐसी जगह गए थे, वहाँ शमशान घाट था और हमें चिकन का मतलब वो एक बंदा था जो चिकन वहाँ काटता है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो आर्यवीर है वो शायद मे बी उसके कांटेक्ट में उस बंदे के कांटेक्ट में हो और वही इसे चिकन दे रहा हो वही खिला रहा हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे चिकन कहाँ से आ रहा है और इसको इतना मतलब चिकन से ऐसा क्या हो गया कि इतना गुस्सा कर रहा है, तो दादाजी बोलते हैं ठीक है तुम जाओ अपना रेस्ट करो मैं देखता हूँ, तो दादाजी के पास थोड़े मतलब जो काम करने वाले होते हैं नौकर होते हैं उन्हें बुलाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि एक बार ना शमशान घाट के पास जाओ और मेरे पास उस आदमी को बुलाओ जो भी मतलब ये बता रहे हैं लड़के उन्हें मेरे पास लेकर आओ, तो वो सब बोलते हैं ठीक है जी, तो वो जाते हैं वहाँ पे शमशान घाट में, बट वहाँ पे उन्हें कोई दुकान नहीं मिलती कोई आदमी नहीं मिलता, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉकिंग होता है दोनों भाइयों के लिए कि हमने तो देखा था हमने तो पूरी दुकान देखी थी
बंदा गायब हो सकता है, दुकान थोड़ी ना गायब हो सकती। बट दादाजी बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये बोलते नहीं, हम पे ट्रस्ट करो, ऐसा ही था, एक आदमी मिला था हमें और उसे वो हमें खींच के शमशान घाट के अंदर भी लेके गया था। तो दादाजी ना समझ जाते हैं कि ओके अगर ऐसा सीन है तो ये कुछ और ही बात है। तो बोलते हैं ठीक है तुम अंदर चलो, जाओ अपने रूम में, बताते नहीं है कुछ। युद्धवीर जा रहा होता है, आर्यवीर जा रहा होता है, आर्यवीर को बोलते हैं आर्यवीर इधर आओ। तो आर्यवीर पहुँचता है दादाजी के पास। तो दादाजी बोलते हैं आज से कोई चिकन नहीं खाना, परहेज़ करो, मना है सीधा, हम पूछ नहीं रहे, हम बता रहे हैं अभी तो बिल्कुल नहीं खानी चिकन। तो आर्यवीर बोलते हैं क्यों, मतलब अचानक से आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप तो हमेशा बोलते थे कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं रोकता नहीं, तो अब आप मुझे क्यों रोक रहे हो। दादाजी बोलते हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ और बड़े जो बोलते हैं वो सुनना चाहिए। तो आर्यवीर को ना बहुत गुस्सा आ जाता है, एकदम से फेशियल एक्सप्रेशन में उसके बहुत गुस्सा दिख रहा है और ये चीज़ें दादाजी नोटिस कर रहे हैं। तो दादाजी क्या करते हैं कि उसको ना उसके रूम में उस दिन ही सोने देते, बोलते तुम दूसरे रूम में सोओगे। तो आर्यवीर को बोलते हैं कि दूसरे रूम में सोओगे, तो आर्यवीर बोलता है नहीं मैं अपने रूम में सोऊंगा, मैं क्यों सोऊं दूसरे रूम में। तो दादाजी अपने जो नौकर होते हैं उन्हें बोलते हैं कि इसे ले जाओ वहाँ पर। तो वो ले जाते हैं और बाहर से बंद कर देते हैं कुंडी। जैसे कुंडी बंद करते हैं, आर्यवीर ठक 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 गेट को बहुत ज़ोर से मतलब अंदर से पीटने लग गया और चिल्ला रहा है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और ये चीज़ शॉकिंग नहीं थी, बट जो शॉकिंग चीज़ थी वो ये थी कि आर्यवीर मुझे बाहर निकालो के साथ बोल रहा था कि मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है और मुझे चिकन खाना है। बट दादाजी उसे बाहर नहीं आने दे रहे और दादाजी जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और एक उनके नोन में ऐसा पंडित जी कह दो या थोड़े तांत्रिक कह दो जिन्हें मतलब इस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज है, उन्हें बुलाते हैं। तो दादाजी की जब कॉल आती है वो उठ के सीधा आ जाते हैं गाँव से। एंड जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे वो एंटर करते हैं ना घर पे, वो बोलते हैं कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है और ये पूरी एनर्जी उस आर्यवीर के रूम से आ रही होती है। तो अब बहुत क्लियर हो चुकी है चीज़ें कि क्यों आर्यवीर ये सब कर रहा था कि चिकन खाना है या कुछ भी, क्योंकि पंडित जी बताते हैं कि जिस दिन तुम वहाँ गए थे जो शॉप थी वो एक्चुअली में कोई शॉप नहीं थी, वो एक्चुअली में कोई आदमी नहीं था, वो एक आत्मा थी जो तुम दोनों को दिख रही थी और उसने अब आर्यवीर के मतलब बॉडी में यू नो वो कर लिया है, अब पोजेस्ट कर लिया है आर्यवीर की बॉडी और अब जो भी आर्यवीर बोल रहा है वो आर्यवीर नहीं है, वो आत्मा है और वो काफ़ी पावरफुल है, वो चिकन खाना चाहती है, वो एक चिकन के लिए इतनी पागल हो रही है कि तुम समझ नहीं सकते। जैसे किसी को ड्रग्स के लिए ड्रग एडिक्ट होता है, उसे ड्रग्स से तुम दूर कर दो तो कैसे एकदम पागल हो जाता है, उस टाइप का आर्यवीर बिहेव कर रहा था कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे चिकन चाहिए, मुझे खाना है, ये सब कर रहा था। तो वो जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि ये थोड़ी ज़्यादा मतलब है थोड़ी पावरफुल आत्मा है तो इसके लिए हमें थोड़ा यू नो टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि मैं दो मिनट में हटा सकता हूँ, तो जब तक मैं ना बोलूँ ये दरवाज़ा खुलना नहीं चाहिए, आर्यवीर अंदर है उस अंदर ही रहने दो। वो पंडित जी जाते हैं उस दरवाजे में कुछ लिख देते हैं ऐसे और बोलते हैं कि ये मिटना नहीं चाहिए जो मैंने लिखा है। और ये बोल के पंडित जी बोलते हैं कि मैं सुबह आऊँगा साथ में अपने दो शिष्य लेके आऊँगा तो तब तक वेट करिए आप। तो दादाजी बोलते हैं ठीक है आप जाइए और ठीक है सुबह मिलते हैं। पूरी रात आर्यवीर ठक ठक आ रहा है, पूरा गेट मतलब ऐसा हो जा रहा है कि टूटने वाला है, जस्ट पूरी जोर जान से लगा रहा है और पूरा वहाँ परिवार सामने यू नो आंगन है बहुत बड़ा तो वहाँ पे खड़ा है और साथ में जितने भी नौकर है जितने भी मतलब जो भी उस पूरे एक हवेली में हो सकते हैं सब के सब वहाँ खड़े हुए हैं कि और सबको ऐसा लग रहा है कि बस आर्यवीर अभी तोड़ के बस बाहर आ रहा है और हम पे अटैक करेगा। युद्धवीर भी वहाँ खड़ा हुआ है, युद्धवीर ये चीज़ अपनी आंखों से पहली बार देख रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बट उसको डर के साथ चिंता भी हो रही है आर्यवीर की कि आई मतलब उसको कुछ ना हो, आई होप कि वो सही हो। सुबह होती है, पंडित जी आते हैं, पंडित जी एक गोला बनाते हैं, पूरी फैमिली को बोलते हैं कि सब बाहर जाएं, सब बाहर जाते हैं। दादाजी को रोक लेते हैं, बोलते हैं आप रुकिए, तो वो रुकते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक बड़े का होना ज़रूरी है ताकि जो भी होगा वो देखें और वो समझें। तो दादाजी को रोक लेते हैं और सब बाहर जाते हैं। आर्यवीर को बुलाया जाता है, आर्यवीर आता है, बैठता है और दादाजी उससे कुछ सवाल पूछते हैं कि कौन है तू, तुझे क्या चाहिए ये सब। और तब वो बताता है कि पहले तो बता नहीं रहा होता कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं मेरे को छोड़ो, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है सब। पंडित जी उसके ऊपर थोड़ा पानी और भी उनके पास जो भी चीज़ें होती है वो छिड़कते हैं, अपना काम करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। तो वो बताता है कि जो शमशान घाट है वहाँ पे उसकी एक बॉडी है, वो बताता है कि इस जंगल में ऐसी जगह पड़ी हुई है
और उसको ना शमशान घाट में अभी तक दफनाया नहीं गया था, दफनाया गया जलाया गया जो भी आप समझो, तो उसको उसको ना वो मुक्ति नहीं मिली है और इसलिए वो शमशान घाट के आसपास अभी भी भटकता रहता है। तो उसकी यही आखिरी विश होती है कि अगर उसको मुक्ति चाहिए तो उसको शमशान घाट में जाके एक पूरे जो रीति रिवाज होते हैं उसके साथ जलाया जाए तो उसको मुक्ति मिल जाएगी और तभी वो आर्यवीर की बॉडी छोड़ के जाएगा, ये उसकी कंडीशन होती है। तो पंडित जी ये चीज़ें, दादाजी जस्ट बगल में बैठे तो उन्हें पूरा वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो दादाजी छूटते अपने सब लोगों को बोलते हैं कि वहाँ जाओ, ऐसी ऐसी जगह है और तुम्हें वहाँ एक बॉडी मिलेगी, तो जाओ उसे सर्च करो। तो उसके सारे लोग जाते हैं तो बॉडी को सर्च करते हैं, हाँ वहाँ पे हड्डियाँ वड्डियाँ होती है वो पूरी मिल जाती है उन्हें, वो हड्डियों को लेते हैं। दादाजी खुद जाते हैं साथ में, दादाजी के साथ और भी घर के लोग जाते हैं, और ये दो भाई नहीं जाते, इन्हें इन्हें घर पे ही रखा होता है। दादाजी और जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो जाते हैं, जाके पूरी हड्डी को अच्छे से शमशान घाट में पूरा यू नो रीति रिवाज के साथ रखते हैं, पूरा उसका जो भी आखिरी के प्रोसीजर होते हैं जो किसी की डेथ में करी जाती है वो पूरे करते हैं। और जैसे ही वो ये सब पूरा प्रक्रिया करके वापस आ रहे होते हैं, जैसे ये घर पहुंचते हैं देखते हैं कि आर्यवीर अब एकदम सही हो चुका है। आर्यवीर थोड़ा मतलब यू नो टायर्ड बोल दो या उसकी मतलब रंग भाव भाव पूरे बदल चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है, बट अब वो अपने सेंसेस में है और वो पूछ रहा है कि हुआ क्या, क्या हुआ। बस उसे आर्यवीर को ये याद है कि उसकी बॉडी में कुछ तो अजीब सा आ गया था और वो नहीं चाहता था लेकिन वो उस टाइप की रिएक्शन दे रहा था। आर्यवीर से पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा था उस टाइम, तो आर्यवीर यही बताता है कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं हंस रहा हूँ, कभी रो रहा हूँ, मेरे इमोशंस बहुत जल्दी बदल रहे हैं और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, बट दूसरी साइड मुझे काइंड ऑफ दिख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये तो मैं करना ही नहीं चाह रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कुछ अजीब से इमोशंस जो होते हैं वो आ रहे थे, आर्यवीर का ये बताना है। तो लेकिन अब सब कुछ सही है और जो वो जगह थी शमशान घाट की, जो एक जो वो जगह थी जहाँ पे वो पूरी दुकान या सब पाई गई थी, वो अब बंद कर दी गई है, दादाजी ने वो बंद करा दिया क्योंकि वहाँ पे ये फर्स्ट केस नहीं है। यहाँ पे शमशान घाट के आसपास थोड़े ज़्यादा केस हुए थे तो वो जगह जो थी वो बंद करा दिया दादाजी ने, अब वहाँ कोई गाँव वाला नहीं जाता। एंड ये थी एक स्टोरी युद्धवीर की साइड से, आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी हो। और यही है कि गाँव में अगर तुम हो तो ऐसे बड़े लोग जब मना करें तो नहीं जाना चाहिए उल्टी सीधी जगह, राइट? और अनजान लोगों के साथ भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा मत सोचो कि गांव में तो सब चलता है, थोड़ा अनजान लोगों से दूर रहो तो थोड़ा सही रहेगा, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो। एक बार फिर बता देता हूँ मेरा इंस्टाग्राम ये रहा, आप यहाँ पर आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।